ये उम्मीद रख रहे हैं, 28 तारीख हमने डेडलाइन रखी है। और जहां सिरसा जिले की बात है, 20 तारीख को सिरसा के अंदर जो पार्टी का नया कार्यालय है उसका उद्घाटन भी किया जाएगा, और उससे पहले सिरसा जिले की जिम्मेवारियां जो है उनको हम दे देंगे कि ऑफिस बेयरर्स हल्के लेवल पर भी कार्य शुरू करें। इसके साथ श्रीमती नैना चौटाला जी के भी काड़ावाड़ी के, डवाड़ी के, और साथ के साथ बचे 3 हलकों के भी प्रोग्राम्स चौकआउट कर दिए गए हैं कि जल्द से जल्द गांव लेवल पर भी जो आज कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनका भी हम जल्द से जल्द स्वागत करें। 13 तारीख का कालावाड़ी का है, 14 का डवाड़ी है। इसी प्रकार से सभी हलकों का वो दौरा कर जितने और नए साथी संगठन को मजबूती के लिए जुड़ेंगे उनका साथ। यहाँ नेशनलिस्ट इलेक्शन है, हम इस प्रयास में हैं कि नेशनल सोच के तमाम संगठन एक हो और फिर एक कॉम्प्रोमाइज कलेक्टिव एक डिसीजन लिया जाए जिसके अंदर सारों की सोच को मिलाकर नेशनल एजेंडा सेट किया जाए। एक रीजनल पार्टी पूरे देश के लिए एजेंडा सेट नहीं कर सकती, वो तो अपनी स्टेट के लिए कर सकती है, पर मुझे लगता है कि अगर नेशनल पार्टीज एक होंगी तो एक कलेक्टिव ऐसा डिसीजन लिया जाएगा जो जनहित के लिए पूरे देश के लिए अच्छा रहेगा।